आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। कितना अजीब है ना, दुर्योधन विलेन न हो के भी विलेन है, या हमने उसको विलेन बना दिया। जब कोई दुर्योधन की सिचुएशन में हो तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक या तो वो सही रास्ता पकड़े और हीरो हो जाए, या गलत पकड़ के विलेन। मैंने दुर्योधन को गलत रास्ता पकड़ते हुए देखा, क्योंकि मैं आकाश हूं। शकुनी नहीं होता तो शायद जुए का खेल फिर से नहीं होता। दुर्योधन कितना भी गलत सही, पर अगर वो दूसरी बार जुए के लिए धृतराष्ट्र के पास गया तो सिर्फ और सिर्फ शकुनी की वजह से। मैं पांडवों का भला चाहता हूं पुत्र दुर्योधन, उनके सुखी जीवन की कामना भी करता हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं उन्हें अपने पुत्र से बढ़कर चाहने लगूं। जरा सोचो पुत्र, यदि मैं पांडवों के पक्ष में होता तो क्या मैं तुम्हें जुआ खेलने की अनुमति देता, महात्मा विदुर से वाणावत का निमंत्रण भिजवाता? पर मैंने वो सब कुछ किया जो तुम चाहते थे। ओ हो, पिताश्री, तो मैं आप समझा आपकी चाल। आपने ये सब केवल मेरा मन रखने के लिए किया। आपकी इच्छा नहीं थी कि मैं पांडवों से अपने अपमान का बदला लूं। ऐसा मत कहो पुत्र, ईश्वर के लिए मुझे और चोट मत पहुंचाओ। आप मेरे साथ छल पर छल करते रहे और मैं कुछ भी ना कहूं पिताश्री, बंद रखूं अपना मुंह, चुप बैठ जाऊं। आपने तो मुझे पांडवों का बंधक बनाकर छोड़ दिया पिताश्री। पांडवों से जीती हुई मेरी अपार संपत्ति उन्हें वापस करके कैसी हंसी उड़ाई है मेरी। जीते जी मार दिया मुझे आपने पिताश्री, मार दिया जीते जी। ऐसा मत बोलो पुत्र, मेरा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें अपने प्राणों से बढ़कर चाहता हूं, और मेरे रहते पांडव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए अपने मन का भय निकाल दो, इसी में कुरुवंश का भला है पुत्र। आप क्यों बार बार कोलू के बैल की तरह वहीं पहुंच जाते हैं पिताश्री। मैं कितनी बार कहूं कि पांडव कभी मेरा हित सोच ही नहीं सकते। और देखिएगा पिताश्री, अब तो वो मेरा अंत करके ही मानेंगे। शुभ शुभ बोलो पुत्र, शुभ शुभ बोलो। संसार की कोई शक्ति तुम्हारा अंत नहीं कर सकती। निर्भय रहो, निश्चिंत रहो बेटा। पांडव वैसे नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वो वैसे भी नहीं है पिताश्री जैसा आप सोचते हैं। क्या आपने अपने कानों से नहीं सुना कि उन्होंने कैसे कैसे प्रण लिए? भीम और पांचाली की प्रतिज्ञा सुनने के बाद भी क्या आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ देंगे पिताश्री? क्या वो अपने सर पर प्रतिज्ञा झूठी होने का पाप उठाएंगे? मुझे विश्वास नहीं होता पुत्र कि वो तुमसे सचमुच ऐसी शत्रुता निभाएंगे। विश्वास होगा आपको पिताश्री, लेकिन तब होगा जब मेरे प्राण चले जाएंगे। जब भीम अपनी गदा से मेरी जांग चूर चूर कर देगा। और जब तक आपको विश्वास होगा पिताश्री, तब तक पांचाली मेरे प्रिय भाई दुशासन के रक्त से स्नान कर चुकी होगी, और आप बस छाती पीटते रह जाएंगे पिताश्री कि आपके पुत्र इस संसार में नहीं रहे। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ पिताश्री, आपको इस अनहोनी को रोकना होगा। आपको ही रोकना होगा पिताश्री, अन्यथा जो भी होगा उसके कारण केवल आप होंगे पिताश्री, केवल आप। नहीं पुत्र, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके मुख से ऐसा क्रोध में निकल गया होगा। मैं उन्हें समझाऊंगा पुत्र कि वो कुरुवंश पर ऐसा घात ना करें। क्या पांडवों से मेरे प्राणों की भिक्षा मांगेंगे आप? हे ईश्वर, कुरुकुल का सम्राट भिक्षा मांगेगा, ये सोचकर भी लज्जा नहीं आई आपको पिताश्री? आप इतने निरीह और असमर्थ हो गए। क्या आज दुर्योधन का महान पिता ऐसा असहाय हो गया कि अपने पुत्र के प्राणों की भिक्षा मांगता फिरेगा? नहीं पुत्र, नहीं।
ये असमर्थता नहीं, मैं तुम्हें रक्तपात से बचाना चाहता हूँ। लज्जा आती है मुझे आपको पिताश्री कहते हुए। कुरुवंश के सम्राट के मन में रक्तपात का ऐसा डर देखकर मुझे लज्जा आती है। पर क्या आपने एक बार भी सोचा कि ये डर उनके मन में क्यों नहीं है? क्या अब ये दिन आ गए हैं कि दुर्योधन कायरों की तरह अपने प्राण बचाने के लिए भागता फिरेगा? हे ईश्वर, अच्छा है आपके ये वचन मेरी माता ने नहीं सुने पिताश्री, नहीं तो पीड़ा से प्राण निकल जाते उनके। इसमें भी दोष तुम्हारा ही है पुत्र। महारानी, आप यहाँ इतनी रात्रि में? रात का अंधेरा आपके पुत्र के पापों को नहीं छुपा सकता महाराज। आज हमारे सारे दुखों का कारण हमारा ये पुत्र ही है। ये आप क्या कह रही है माता? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मुझसे पूछते हो क्या किया है? अपने हृदय पर हाथ रखकर उससे पूछो क्या किया है तुमने। एक स्त्री की लज्जा का हरण किया है तुमने, अपने ही भाइयों की पत्नी का मान हरा है, और इसके लिए तुम्हारे पिता तुम्हें क्षमा कर दें, मैं क्षमा कर दूं, परंतु ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा दुर्योधन। अपने पुत्र से ऐसी घृणा? अपने पुत्र से नहीं, आज मुझे अपनी कोख से घृणा हो रही है पुत्र। जिस क्षण तुम जन्मे उस क्षण से घृणा हो रही है। तुमने राजसभा में जो किया है उसने हस्तिनापुर की धरती को सदा के लिए कलंकित कर दिया है। मैंने ऐसा भी कोई अपराध नहीं किया माता जिसके लिए आपको। यदि तुम्हें अपना अपराध समझ आ जाता तो तुम्हें इतनी रात्रि में अपने पिता से वार्ता करने की आवश्यकता ही नहीं होती पुत्र। तुम्हारी भूल और तुम्हारे पाप ही अब प्रेत बनकर तुम्हें सता रहे हैं। अपने पुत्र के लिए ऐसा ना कहे महारानी गांधारी। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। आप अपने कक्ष में जाएं, मैं दुर्योधन से बात कर रहा हूं। मैं कक्ष में जाऊं और आप यहां अपने पुत्र के पापों को पुण्य में बदलते रहें। दुर्योधन मेरा प्रिय है महारानी, वो मुझसे प्रेम करता है। मैं उसके भले के लिए ही परामर्श दूंगा, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, यदि आप स्वयं कुरुवंश का कलंक बनकर प्रसन्न है तो मुझे कुछ नहीं कहना। चलो भद्रा। आइए महारानी। सुन लिया पुत्र? मैं माता की बातों पर ध्यान नहीं देता पिताश्री, उन्हें मेरे मान अपमान का पता नहीं है। वो नहीं जानते कि पांडवों ने क्या क्या किया है मेरे साथ। मैं उन्हें वो सब बताना भी नहीं चाहता, पर मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया पिताश्री, इसलिए आप बताएं पिताश्री कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें समझाने जाऊंगा पुत्र, और युधिष्ठिर मेरा अनादर नहीं करेगा। आप उन्हें समझाने जाएंगे? तो ठीक है, मैं इसी समय अपना सर काटकर आपको भेंट कर देता हूं। अपने साथ लेते जाइएगा और उन्हें देते हुए कहिएगा कि आपके प्रिय पुत्र दुर्योधन ने आत्मघात कर लिया है, इसलिए अब उन्हें किसी प्रतिशोध की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन, पुत्र दुर्योधन, कहाँ हो तुम पुत्र? नहीं, नहीं, मैं वचन देता हूं पुत्र, मैं वचन देता हूं, तुम्हारे भले के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा पुत्र, अवश्य करूंगा। यदि आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री तो सुनिए, मैंने मामा शकुनी के साथ विचार विमर्श किया है और उन्होंने मुझे एक सलाह दी है। हाँ, कैसी सलाह पुत्र? हमें जुए का एक और दांव खेलना होगा। हाँ, किसके साथ दांव लगाओगे?
यदि पांडवों के साथ फिर जुए की बात सोच रहे हो तो मैं जो सोच रहा हूँ वही एकमात्र रास्ता है पिताश्री, नहीं तो ये रही मेरी तलवार। रुक जाओ, रुको, तलवार रख दो पुत्र, कहो क्या कहना चाहते हो। सुनिए, पांडवों के साथ ही दाव लगाना होगा पिताश्री, और इस बार बस एक दाव लगेगा। फिर क्या होगा? इसमें जो जीतेगा उसे पूरा साम्राज्य मिलेगा, और जो हार गया उसे 12 वर्षों का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास का होगा। यदि अज्ञातवास में उनका ये रहस्य खुल गया तो उन्हें फिर से 12 वर्षों के वनवास पे जाना होगा। ईश्वर, पुत्र शकुनी के कहने पे मत आओ उसकी बातों में। तुम एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में कूदने जा रहे हो। आप हाँ करते हैं पिताश्री कि मैं काट डालूं अपनी गर्दन। मैं तैयार हूं पुत्र, तैयार हूं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजता हूं, आज ही भेजता हूं। आपको उन्हें किसी भी परिस्थिति में हस्तिनापुर बुलाना होगा पिताश्री। यदि वो दूत के निमंत्रण पर नहीं आते तो आपको स्वयं जाना होगा। वैसे भी भ्राता युधिष्ठिर आपकी आज्ञा को कभी टाल नहीं सकते, याद है ना? यहां से जाते समय उसने आपसे क्या कहा था? आशीर्वाद देता, मैं नहीं चाहता कि इस द्यूत क्रीड़ा के कारण आपके मन में हमारे प्रति कोई अनुचित सोच आए। मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है और भविष्य में भी करता रहूंगा। उनकी बात आप भूले तो नहीं ना पिताश्री? नहीं पुत्र, मैं ज्येष्ठ पांडव की बात कैसे भूल सकता हूं। वो मन से बहुत अच्छा है, बड़ों का सम्मान करना जानता है। बस पिताश्री, आप ऐसे ही सम्मान पाते रहे और हमारी सोच में बाधा ना डाले। ये मोह भी ना बड़ी बुरी चीज होती है, और पुत्र मोह तो जो ना करवा दे कम। जैसे ही दुर्योधन ने अपनी गर्दन पे तलवार रखी, धृतराष्ट्र के हाथ पांव फूल गए और बस बन गया काम जिसका बनना था, नाम जिसका शकुनी था। गऊ है, बिल्कुल गऊ है तुम्हारे पिताश्री। उनका उनका यही भोलापन जो है ना, तुम्हारे सपने सच करेगा भांजे, तुम्हारे सपने सच करेगा। गुरुकुल के स्वर्ण सिंहासन के अधिकारी बनोगे तुम। चिंतित हो मामा, चिंतित हो। यदि हमारी इच्छा इस बार भी अधूरी रह गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे मामा। अधूरी तो तेरी बुद्धि है भांजे, पिछली बार भाग्य ने साथ नहीं दिया था, और सिर्फ पांडव ही तुम्हारे दास नहीं होते, पांचाली भी इस वक्त तुम्हारे चरण दबा रही होती भांजे। मुझे बस उन पांडवों की हार चाहिए मामा। दर दर भटकते देखना चाहता हूं मैं उन पांडवों को, दर दर भटकते देखना चाहता हूं। एक फलसफा बताएं, हमारा मन भी शकुनी जैसा चतुर है कि नहीं बताइए? है ना? हाँ, जो फल का लालच देके बार बार हमारी आत्मा को बहकाने की कोशिश करता है, और बेचारी कमजोर आत्मा वाले अक्सर बहक जाते हैं। पर अगर हम सिर्फ कर्म करते रहने को ही अपना जीवन मान लें तो भटकाव नहीं होगा। महाभारत।